हमने कहा शंखनाद किया कि मेरा अर्जुन मेरा भाई तेजस्वी, उसको गद्दी देने के बाद मैं स्वयं द्वारिका जाऊंगा। श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में पांडवों को राज दिलाने के बाद वो द्वारिका चले गए थे। तो क्या मतलब राजनीति में आप नहीं रहना चाहते हैं, ऐसा कुछ क्या? राजनीति में रहना ना रहना, हम कहीं भी जाएंगे या कोई और भी, अगर मान लीजिए राजनीति छोड़ के कोई और भी काम करेंगे तो ये होने वाला है। राजनीति तो हम करेंगे, लेकिन जिस तरीके से पार्टी में असामाजिक तत्व जो आ रहे हैं दिन पर दिन, इसको हमको दूर करना है। और हम दूर करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए राजेंद्र पासवान है, हम दलित का राजनीति करते हैं, वो अच्छा बात है, हम दलित का आज राजनीति कर रहे हैं, तो लेकिन दलित को सम्मान भी मिलना चाहिए। राजेंद्र पासवान है, ये लोग जितने लोग हैं, तमाम लोग हैं पार्टी के लिए रात दिन दिन सब तक मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक करके पार्टी के लिए सींचने का काम कर रहे हैं। तो हमने पूर्वे जी से बात किया कि सर और साहब भी बोले हैं और मेरी माता श्री भी बोली हैं, आप तेजस्वी जी हमारे भाई हैं, हम भी जब बैठे बैठे पूर्वे जी और राजेंद्र पासवान जी एक साथ हम लोग बैठे होते कि इनको पार्टी में कुछ जगह दीजिए, इनको बनाने का काम किए। ठीक है बनाए, लेट से ही लेट से बनाए, आखिर लेट से फैसला क्यों लिया जाता है पार्टी में? हम दलित को जोड़ने की बात करते हैं, दलित एकता की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। हम फोन करते हैं, कोई फोन रिस्पॉन्स नहीं देता है, बोलता है कि ऊपर से बात हुआ है, हमको नहीं बात करने दिया जाएगा। तो कोई मतलब है, मतलब पार्टी नहीं सुन रहे हैं। हाँ, पार्टी के लोग ही बात नहीं सुनना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा दुखी तो हो गए हैं। मान लीजिए पार्टी है शुरू से है, पापा इसको चला रहे हैं, पार्टी को संचालन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पार्टी में जो एक डिसिप्लिन होता है, हम हमेशा मेरा कहीं भी प्रोग्राम हुआ है, पूरे बिहार में मेरा कहीं भी कार्यक्रम होता है, या हमारा 3 नंबर में भी कार्यक्रम होता था, तो मैं हमेशा यही बोलता था कि पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए। जब डिसिप्लिन की बात होती है तो कोई सब पीछे हट जाता है। काफ़ी बातें आ रही हैं, ट्वीट के बाद खबरें हो रही हैं कि तेज प्रताप के जो है भाई से नहीं बन रही है, या परिवार से नहीं बन रही है, लोगों से नहीं बन रही है, पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये पार्टी छोड़ने की बात नहीं है और ना भाई से बन रही है। भाई से मेरा बन रहा है, वो मेरा कलेजा का टुकड़ा है तेजस्वी, तेजस्वी मेरा कलेजा का टुकड़ा है, ऐसा कोई बात नहीं। या आज असामाजिक तत्व जिस तरीके से डेरा बनाइए कि भाई भाई को लड़वाना, जो चारों तरफ से फैला हुआ है कि इसको तोड़ो, पार्टी को तोड़ो, लालू यादव को तोड़ो, लेकिन ये टूटने वाला नहीं है। लेकिन जो असामाजिक तत्व जिस तरीके से पार्टी में जो घुसने का काम कर रहा है, उसको हम कभी उसका सपना को पूरा नहीं होगा। क्या लगता है लालू जी इधर कुछ मुसीबतों में पड़े तो उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों द्वारा? फायदा उठा रहा है, तेजस्वी का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, मैडम का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, मीसा जी का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम ऐसे लोग का जो पार्टी में, जो पार्टी के लिए खून पसीना एक दे करके पार्टी को सींचने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को दूर करने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस तरीके का कारनामा जो हो रहा है, जो चल रहा है पार्टी में, हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, करते ही नहीं होने देंगे, इसके लिए हम जान भी दे देंगे। तो कुछ ऐसे लोगों के नाम भी आपके सामने आए होंगे, तेजस्वी से जी से भी बात हुई होगी, लालू जी से भी बात हुई होगी, क्या कुछ इतना? देखिए जिन लोगों का जो नाम आया है, हम नाम खुले हम नहीं बोल सकते, जो लोग जानते होंगे इस चीज़ को समझ रहे होंगे टीवी के या चैनल के माध्यम से, बस यही कहना चाहेंगे। बातें हुई सर से, बातें हुई लालू जी से, बात हुई तेजस्वी नहीं, सबसे अब घर में रहते हैं, घर में सबसे बातचीत होते रहता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उन लोगों का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। हम आपको टीवी या चैनल के माध्यम से खाली हम बता दें कि असामाजिक तत्व जिस तरीके से पार्टी में और हम लोग को भाई भाई को अलग करना चाहता है, ये सपना जो है कभी पूरा नहीं होने देंगे। हम महादेव के मंदिर में हैं, हम यहाँ आज हम अपने माध्यम से हम बोल देना चाहते हैं। क्या कुछ है इसमें आप चाहते हैं अपनी तरफ से कार्रवाई करना? हम चाहते हैं कि पार्टी में जो सीनियर लीडर हैं इसको तुरंत चिन्हित करें और पार्टी से इन लोगों को बर्खास्त करने का काम करें और बाहर करने का काम करें, हटाने का काम करें, पार्टी में रहे तो डिसिप्लिन का परिचय देने का काम करें। नहीं तो आप अपनी तरफ से जो कार्रवाई होगी कीजिए। हमारे तरफ से जो कार्रवाई होगा तो हम तो करेंगे, लेकिन डिसिप्लिन बना करके रखिए। और जो चारों तरफ से जो आदमी लगा हुआ है कि भाई भाई को अलग कर दिया जाए, उनका कभी सपना पूरा मैं नहीं होने दूंगा। भाई एक हैं और हमारे जिगर के टुकड़े हैं तेजस्वी जी, और सारे माता पिता का हमारा ऊपर आशीर्वाद है, और माँ भी हमसे बहुत प्रेम करती है, हम भी उससे उनसे बहुत प्रेम करते हैं, और पिता से भी हम बहुत प्रेम करते हैं।